वैसे लिंचिंग करने वालों को नेताओं की का स्वागत करने की जो रिवायत शुरू हुई है, जो लिंचिंग करते हैं और बाद में जो भाजपा के नेता उनका स्वागत करते हैं, तो इससे हर कोई लिंचिंग करके नेताओं से इनाम पाना चाहता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि लिंचिंग में निशाना मुस्लिम होते हैं अधिकतर, और पिछले 6 सालों की पूरी लिस्ट उठा कर देख लो। अब जबरदस्ती बुलवाए जाने वाले जयश्री नाम के साथ में मोदी जिंदाबाद भी जुड़ गया है, और इसी घटना को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के सीकर स्थित सदर थाना इलाके में एक बुजुर्ग ऑटो चालक के साथ में मारपीट कर धार्मिक उन्माद फैलाने का मामला सामने आया है। चालक का आरोप है कि कुछ बदमाश ने उनसे मारपीट की और मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगवाए। शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मोहल्ला कुरेशियान निवासी 52 वर्षीय गफ्फार अहमद कच्छावा ऑटो चलाते हैं और शुक्रवार सुबह वह छोटी झीगर गांव की सवारी छोड़कर वापस आ रहे थे। तब जमालपुर और छोटी झीगर के बीच एक गाड़ी में सवार 2 लोगों ने उन्हें रोककर मारपीट की और धार्मिक आधार पर उनको प्रताड़ित किया। आरोप है कि इन लोगों ने उन्हें मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने पर मजबूर किया। पीड़ित के भतीजे शाहिद ने बताया कि शुक्रवार शाम 4 बजे मेरे चाचा गांव के नज़दीक कुछ यात्रियों को छोड़कर आ रहे थे, तभी 2 कार सवार युवकों ने उन्हें रोका और तंबाकू मांगा था। हालांकि तंबाकू देने पर उन्होंने चाचा से तंबाकू नहीं लिया और उन्हें मोदी जिंदाबाद कहने के लिए कहा। मोदी जिंदाबाद न कहने पर आरोपियों ने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा, ये पीड़ित का आरोप है। मैंने टैक्सी ली और सीकर की ओर निकलना चाहा, पर उन्होंने मेरा पीछा किया और जगमालपुरा के पास मेरा वाहन रुकवाया, मुझे गाड़ी से जबरन उतरवाया और पीटने लगे। वे मुझे गालियां दे रहे थे और मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कह रहे थे। पुलिस के मुताबिक पीड़ित का दावा है कि बदमाशों ने उनकी कलाई की जो घड़ी है और 700 रुपये भी छीन लिए थे। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने मेरी दाढ़ी नोची, लात घूंसे मारे, जिसके कारण उनके 2-3 दांत भी टूट गए। उन्होंने डंडे से मुझे मारा, जिसकी वजह से मेरी आंख, गाल और सिर पर चोट आई। पिटाई के बाद उन्होंने कहा था, हमें तुम्हें पाकिस्तान भेजकर ही चैन मिलेगा। घटना की जानकारी मिलने पर शहर के अनेक लोग पुलिस अधीक्षक देवेंद्र शर्मा से मिले और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाया, 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार भी किया, जबकि पीड़ित अस्पताल में भर्ती हैं। सीकर पुलिस के मुताबिक इस मामले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी से अपील है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में साथ दें। ये दरअसल एक चलन पिछले 6 साल से चल चुका है और ज़्यादातर जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो कहीं की भी आप घटना ले लो, वो ज़्यादातर मुस्लिमों के साथ में होती हैं। और जय श्री राम और ये, अब ये एक नया नारा और जुड़ गया है, मोदी जिंदाबाद, जो कि सही नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC Wire का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।